hello everyone you are watching video on hibernate this is the lecture number 18 on hibernate in this video we will discuss named query we will write the named query for native queries so let us get started now as we know uh, that hibernate named query help us in grouping queries लोकेशन पिछले वीडियो में बता चुका हूँ लिखा था अब हम query, uh, के लिए लिखेंगे so, हमें है, it, कि जो है, उसके पीछे जो मेन कंसेप्ट है वह यह है कि हमें किसी बीन से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज की रिक्वायरमेंट है उसको एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे हम लिख दें एक जगह पर हम लिख दें और उन क्वेरीज को हम नाम दे दें और फिर वो जो भी क्वेरी को हमने नाम दिया हुआ है उस नाम से हम प्रोग्राम में अपने हाइबरनेट एप्लीकेशन में जहां जहां क्वेरी की रिक्वायरमेंट होगी आ, वहां पे उसको यूज कर लेंगे यानी क्वेरी को पहले एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे लिखो उसको नाम दो और फिर उस क्वेरी की रिक्वायरमेंट हमें कोडिंग में अपने हाइबरनेट एप्लीकेशन में जहां भी है वहां पे उस नेम से उसको यूज कर लो फाइन ओके सो लेटेस्ट डू इट प्रैक्टिकली नाउ फाइन सो so, यहाँ पे भी हम ऑलरेडी क्रिएटेड हाइबरनेट प्रोजेक्ट यूज करेंगे जिसमें हमने एक एम्प्लॉय बीन क्रिएट किया हुआ है यह एम्प्लॉय बीन ई एम पी डेटाबेस टेबल से मैप्ड है अब हमें मान के चलिए कि एम्प्लॉय बीन से रिलेटेड कोई क्वेरी लिखना है और वह भी नेटिव क्वेरीज लिखनी है सो तो उसको एज ए नेम्ड क्वेरी हम कैसे लिखेंगे वह देखें तो हमारा जो सेंट्रलाइज लोकेशन है वह यह जावा फाइल हो गई ओके okay? जहाँ पे हमने ये एम्प्लॉय क्लास क्रिएट किया हुआ है तो नेटिव नेम्ड क्वेरी लिखने के लिए हमें एक अनोटेशन यूज करना पड़ेगा और वो अनोटेशन है एट द रेट नेम्ड नेटिव क्वेरीज ओके सो एट द रेट नेम्ड नेटिव क्वेरीज अनोटेशन मैंने यूज किया बीन क्लास के साथ में इसको लिखना है अब इसमें आप मल्टीपल uh, क्वेरीज लिख सकते हो तो उसके लिए पहले यहाँ पे आप करली ब्रेकेट लगा दें कर्ली ब्रेकेट ओपन क्लोज और यहाँ पे जितनी भी नेम्ड क्वेरीज की जरूरत है आपको उनको अनोटेशन एक अनोटेशन दैट इज नेम्ड नेटिव क्वेरी इसको यूज करके लिखते चले जाएंगे ओके okay? ध्यान रखना यहाँ पे मैं नेटिव क्वेरी लिख रहा हूँ ओके okay? ये था एट द रेट नेम्ड नेटिव क्वेरीज और यह एट द रेट नेम्ड नेटिव क्वेरी तो सबसे पहले तो क्वेरी को जो नाम देना चाहते हो वो दे दो आप यूजिंग द नेम एट्रीब्यूट सपोज मैंने दिया सेल ऑल एंड देन राइट डाउन द क्वेरी तो यहाँ पे क्वेरी लिख दें अब हमें यहाँ पे नेटिव क्वेरी लिखना है यानी वह क्वेरी जो डेटाबेस की जो एस्कल लैंग्वेज है उसमें लिखी जाएगी मैं मैस्कल डेटाबेस यूज कर रहा हूँ तो मैंक्वल की क्वेरी लिखूंगा तो यहाँ पे मैंने लिखा लेटर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम इज पी अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि यदि आपने यहाँ क्वेरी में सिलेक्ट स्टार लिखा है मतलब ऑल कॉलम्स से आप सिलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको बीन क्लास लिखें रिजल्ट क्लास में आपको अपनी बीन क्लास मेंशन करना है दैट इज एम्प्लाई यहाँ पे कर दोगे फाइन अगेन में इसको रिपीट कर दूं कि यदि आपने जो नेटिव क्वेरी लिखा है उसमें सिलेक्ट स्टार लिखा है तो यह कंपलसरी हो जाएगा कि यहाँ पे रिजल्ट क्लास मेंशन करो जिसमें आपको बीम क्लास मेंशन करना है ओके सो दिस इज द क्वेरी विच इज रिटर्न अब इसको हमें अपने प्रोग्राम में कहीं पे यूज करना है तो ये जो नेम हमने दिया है सेल ऑल इस नेम को यूज करके आ, हम क्वेरी को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं तो अब मैंने मेन डॉट जाओ ओपन किया और यहाँ पे उस क्वेरी को मुझे यूज करना है तो उसके लिए सबसे पहले क्वेरी इंटरफेस आप क्रिएट करें क्वेरी इंटरफेस का रेफरेंस वेरिएबल बनाए क्यू इक्वल एस डॉट एंड गेट नेम्ड क्वेरी मेथड यूज करोगे क्वेरी को गेट करने के लिए यहाँ पे और यहाँ पे जो नाम आपने वहाँ पे दिया हुआ है सेल ऑल सेलेक्ट ऑल है ना ये जो भी नेम दिया है हमने है ना क्वेरी को हमने नेम दिया हुआ है सेल ऑल तो यहाँ पे मैंने सेल ऑल नेम लिख दिया अदर थिंग्स विल रिमैन एज इट इज बाकी चीजें बिल्कुल वही की वही है तो यहाँ पे हमें एक लिस्ट मिलेगा लिस्ट जो रहेगा वो एम्प्लॉय टाइप का सो लिस्ट ऑफ एम्प्लाई एल एस टी इक्वल क्यू डॉट लिस्ट मेथड कॉल कर लें अब इस लिस्ट का रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाने के लिए फॉरिच मेथड कॉल कर लें सो फॉरिच एंड लेमडा एक्सप्रेशन यूज कर लेते हैं सो दैट लिस्ट के एलिमेंट हम शो करवा सकें फाइन अब इसको टेस्ट कर लें सो राइट क्लिक रन एस जावा एप्लीकेशन

इसको भी कुछ नाम दे दें सो सपोज मैंने नेम दिया सेलेक्ट नेम लिखें और सपोज क्वेरी में मुझे सिर्फ नाम सेलेक्ट करने हैं तो आई विल राइट सेलेक्ट नेम जो कि कॉलम नेम है ना सेलेक्ट नेम फ्रॉम ई एम पी ओके सो दिस इज द क्वेरी विच इज रिटर्न अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि जो पहले हमने क्वेरी लिखा उसमें स्टार लिखा हुआ था मतलब सभी कॉलम की वैल्यू तो फिर रिजल्ट क्लास में मैंने एम्प्लॉय डॉट क्लास लिखा था बट यदि आप में कॉलम नेम्स मेंशन कर रहे हो या कोई फंक्शन मेंशन कर रहे हो तो फिर आपको यहाँ पे रिजल्ट क्लास लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है बाय डिफॉल्ट वो क्या होगा सुपर क्लास ऑफ ऑल जावा क्लासेस दैट इज ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट टाइप में आप इसको रिसीव कर सकते हो फाइन फाइन सो so, ये जो नेम हमने दिया हुआ है सिलेक्ट नेम इसको यूज करके क्वेरी को हम एग्जीक्यूट करवा के देखें सो मेन डॉट जावा फाइल को ओपन करें अब इसी में हम चेंजेस करेंगे तो so, ये जो गेट क्वेरी मैंने लिखा है यहाँ पे क्वेरी का नाम लिखें वो है सेल नेम सिलेक्ट नेम एंड देन जैसा मैंने बोला कि अब हमें यहाँ पे जो लिस्ट मिलेगी वो ऑब्जेक्ट टाइप के एलिमेंट की होगी सो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट लिख दिया रन करके देख लें रन इज आवर एप्लीकेशन अनलुकअर सिलेक्ट नेम तो सभी नाम जो है सिलेक्ट होके हमको यहाँ पे मिल गए ओके सो दिस इज हाउ टू राइट नेम्ड नेटिव क्वेरीज फाइन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो